जितने कमरे आए सब लोगों के, सबको इकट्ठा बुलवा लिया भाई ने, सेक्रेटरी सरपंच ने और प्रभारी, तीन चार लोग थे, उनने एक मतलब फाइल थी उस पर सबके साइन करवा लिए जितने कमरे आए जितने। तो उनने बोला कि हम लोगों को तुम दे दो, मतलब हम बना के देंगे पूरा, मतलब कंप्लीट करके ताला लगा के देंगे हम। पहली किस्त आई थी तो हमको पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिना अंगूठा लगवा लिया पहली किस्त निकाल ली हमने। 40 दिन आखिरी किस्त थी, 40 की छत वाली थी वो। यहाँ दिक्कत तो बहुत है, वो तो रहता भाई ये पता कच्चे घर में बरसात में, फिर इन्हें दोबारा नई नई डालो छप्पड़ दोबारा से, तो मतलब 2-3 महीना तो लगा ही जाते हैं दोबारा दोबारा साल हर एक साल। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र ने 2018 से 19 के बीच में 1 करोड़ घर बनाने का टारगेट सेट किया था, लेकिन ग्वालियर के इस गांव में जहां एक तरफ घरों की नींव तो पड़ गई है लेकिन पूरे घर अभी भी नहीं बन पाए हैं। जैसा चाहती थी वैसा बन के मिला है? वैसा नहीं बना, हमें पलस्तर बनाना छत भाई तो मैं देख रही हूँ गिर रही है वो सेक्रेटरी में कर सेक्रेटरी थे कई और वे तो बोले गए कि बन तो गए और कैसे बने। आपने जो सीमेंट वगैरह लगवाई अपने पैसे से लगवाई? जो तो अपने पैसे से लगवाई जो मड़ामड़ी रोते जो गिट्टी गड़ाती ना पैरन में सोते बजरी डलवाई कहीं 3,000 की बदरी डरवाई जो। जो सुविधा प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि नल बिजली सहित आवास होंगे उनके शौचालय वगैरह, ये वो अभी कंप्लीट नहीं है और लगभग इस गांव में तो मुझे एक भी ऐसा आवास नहीं मिला है जिसमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। कच्चे घर में रह रही हूँ दूसरे के में, और वो भगा दे तो बताओगे हम चौरे में रहेंगे। आपने कहीं शिकायत करी सेक्रेटरी की? दो वक्त कर जल से दवाई है। सरकार के काम से खुश हो आप? वोट तो कहीं कहाँ दे देंगे, अब कुछ बनवा रहे थे ना कोई दंगे और का।